हेलो ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कैसे हम लोग अपना अप स्टॉक्स का अकाउंट जो है वो बंद करें। ओके, वैसे तो बहुत सारे रेफरल प्रोग्राम के चलते और हो सकता है किसी कारण से आप लोगों ने अपना अकाउंट खुलवा लिया हो अप स्टॉक्स का और अब आप जो है परेशान हो जो चार्जेस से या फिर और कोई भी रीज़न हो सकता है आप बंद करना चाहते हैं। बस जो फाइनल रीज़न वो है कि आप बंद करना चाहते हैं अपना अप स्टॉक्स का अकाउंट। आज इस वीडियो में आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं बंद करने का अप स्टॉक्स में। आपको जैसे ईमेल के थ्रू आप बंद कर सकते हैं, देन आप डायरेक्ट अकाउंट से बंद कर सकते हैं, आप फ़ोन से भी बंद कर सकते हैं। मैं सारे तरीकों से यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। तो आपको बिल्कुल ध्यान से जैसा जैसा मैं करता हूँ वैसा वैसा आपको करना है, आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले हम चलते हैं स्क्रीन पे और स्क्रीन पे जब आप आएंगे तो आपको समझ में आएगा कि अप स्टॉक्स जब आप लॉगिन करते हैं आपको एक अपना नॉर्मल, सबसे पहले हम समझते हैं कि जो आपका अकाउंट है अकाउंट हम लोग कैसे बंद करेंगे। तो आपको क्या करना है, अपना अप स्टॉक्स को लॉगिन कर लेना है। वेबसाइट का नाम वही है अप स्टॉक्स लॉगिन, आप जब क्लिक कर देंगे गूगल में तो आप आ जाएंगे यहाँ तक। ओके, तो इस तरह उस प्लेटफॉर्म आपका खुल जाएगा। ये अप स्टॉक्स नया है, वहाँ पे आपको दो ऑप्शन पूछेगा कि अप स्टॉक्स न्यू या फिर पुराना वाला अप स्टॉक्स। ओके, अप स्टॉक्स प्रो, तो ये नया वाला है। तो नया वाले में पहले हम लोग देख लेते हैं कि कैसे हम लोग इसमें बंद कर सकते हैं अपना अकाउंट। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आना है, ये जब आपकी स्क्रीन आ गई तो आपको यहाँ आना है। यह देख सकते हैं आप, यहाँ पे जो अपना अकाउंट है माय पर्सनल अकाउंट उसमें आप क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे आपको आना है, यहाँ पे आपका प्रोफाइल खुल जाएगी, यहाँ पे सिक्योरिटी 000। तो सबसे पहले जो मैं चाहता हूँ कि आप अकाउंट बंद करने से पहले करें वो है कि अपना सारा पैसा जो है जो भी आपका अकाउंट पड़ा हो वो खाली कर दें, सिक्योरिटी जितनी भी हो बेच दें या फिर ट्रांसफ़र करवा लें, मतलब क्लियर रखें अकाउंट, खाली रखें, उसके बाद आप बंद करने की कोशिश करें। ओके, यहाँ आने के बाद आपको आना है, यहाँ वॉलेट मिल जाएगा, रिवार्ड्स मिल जाएगा, देन अकाउंट में आना है। अकाउंट्स में आने के बाद नीचे तीन चीज़ें हैं, प्रोफाइल, रिपोर्ट्स, देन कॉर्पोरेट एक्शंस। आपको प्रोफाइल वाले कॉलम में क्लिक करना है, आप आ जाएंगे प्रोफाइल, क्लिक जैसे करेंगे तो इस तरह का कुछ पोर्शन खुल जाएगा। यहाँ आपकी कुछ डिटेल्स होंगी, उस पर आपको कोई ध्यान नहीं देना, आप इसको जान दीजिए। लेफ्ट साइड आप देख सकते हैं, यहाँ पर्सनल के नीचे आएंगे अकाउंट, अकाउंट अकाउंट के नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं अकाउंट क्लोजर, कॉल एंड ट्रेड टीपीन के ऊपर अकाउंट क्लोजर लिखा हुआ है। आपको इस अकाउंट क्लोजर में क्लिक करना है, आपके सामने कुछ ऐसी विंडो खुल जाएगी जहां पे लिखा हुआ है अकाउंट क्लोजर, क्लोज माई अप स्टॉक्स अकाउंट। ओके, यहां पे नीचे रेड में लिखा हुआ है क्लोज अकाउंट, तो मैं इसमें क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं क्लोज अकाउंट में क्लिक करूंगा तो इस तरह का कुछ फॉर्म आएगा। अगर इस तरह का फॉर्म नहीं आता है तो घबराने की बिल्कुल बात नहीं है, आपके सामने एक मैसेज आएगा, उसके बीच में कहीं लिंक लिखी, एक लिंक होगी, उस लिंक को आप क्लिक कर देंगे तो भी आपका सेम यही फॉर्म खुल जाएगा। ओके ओके, चलो ये फॉर्म आ गया। आपको यहाँ पे नीचे जब आएंगे तो यहाँ लिखा हुआ है यू हैव नो होल्डिंग्स रिमेनिंग, आपके पास कोई होल्डिंग नहीं है, आपके पास कोई बैलेंस नहीं है, सब कुछ क्लियर है, मैंने जैसे बताया सब कुछ क्लियर कर दीजिए। अगर आपके पास कोई होल्डिंग होगी, कुछ शेयर्स हो सकता है आपके पास हो, आपके अकाउंट में पड़े हों, तो पहले उसको बेच दीजिए या ट्रांसफर करा लीजिए। उसके बाद नीचे आता है योर अकाउंट बैलेंस इज क्लियर, यानी कि आपका अकाउंट जो बैलेंस है अकाउंट में आपका डीमैट अकाउंट इसमें अकाउंट में आप स्टॉक्स के वो क्लियर है, जीरो है। ओके, नो प्रॉब्लम। नीचे है सेलेक्ट अ रीजन टू क्लोज अकाउंट, यहाँ पे आपको एक रीजन सेलेक्ट करना है किस लिए आप अकाउंट बंद करना चाहते हैं। ओके, यहाँ बहुत सारे रीजंस आपको दिए हुए हैं और अगर इनमें से कोई रीजन आपका आपके पास नहीं है तो आप अदर्स में भी क्लिक करेंगे, लेकिन जब आप अदर्स में क्लिक करेंगे तो आपको आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि वो अदर रीजन क्या है। इससे अच्छा आप यहाँ पे लिख दीजिए कि कुछ भी लिख दीजिए, यानी कि यहाँ पे सबसे जो बेस्ट रहेगा मेरे ख्याल से वो रहेगा नो टाइम टू फोकस ऑन ट्रेडिंग। ओके, सिंपली आप ये क्लिक कर दीजिए। फिर जैसे आप यहाँ पे कोई रीजन सेलेक्ट करते हैं, नीचे आपके आप देख सकते हैं क्लिक और टैप ऑन क्लोज अकाउंट बटन टू कंटिन्यू। जैसे ही आप यहाँ पे क्लोज अकाउंट में क्लिक कर देंगे आपका प्रोसीजर यहाँ पे खत्म हो जाता है, इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, इसके बाद जो करना है वो आपका अप स्टॉक्स करेगा। यहाँ से करीब 7-8 दिन बाद या फिर मान के चलिए कुछ दिन में अंदर अंदर आपको CDSL की तरफ से एक मेल आएगा कि आपका जो अकाउंट है वो धीरे धीरे बंद हो रहा है। ओके, मतलब बंद हो जाएगा। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है यहाँ से या बंद करने का, तो एक टिकट क्रिएट हो जाएगी, वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आप ईमेल कर सकते हैं पूछने के लिए कि मेरा अकाउंट बंद हुआ कि नहीं हुआ। ओके, तो ये एक तरीका हो गया आपका, ये तरीका जा था आपका नए अकाउंट से आने के लिए, नए अकाउंट से बंद करने के लिए, अकाउंट क्लोजिंग के लिए। ओके, अकाउंट जब आप ये बंद कर देंगे आपका मेल भी आ जाएगा CDSL की तरफ से आपका अकाउंट, या फिर नहीं आया मान लो तो आप कैसे पता करेंगे कि अकाउंट आपका बंद हुआ है। तो मैंने आपको बताया कि आप मेल करेंगे वापस से, मेल किस में करेंगे, support@upstocks.com, इस पर आपको मेल करना है, पूछना है आपको कि क्या हुआ मेरे अकाउंट क्लोजिंग का।
ओके, इसके बाद में फर्दर में आएंगे धीरे धीरे आगे, बट उससे पहले आपको ये समझना है कि दो सवाल होते हैं कि जो आप बंद होने, आपका जो अकाउंट है वो बंद हो गया, उसके बाद भी आप लॉगिन कर पाएंगे अपने ऐप स्टॉक्स में, तो कोई घबराने की बात नहीं है। आप लॉगिन तो कर पाएंगे बट आप कोई ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे, तो आपको कोई इसमें घबराने की बात नहीं, परेशान होने की दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपका अकाउंट बंद हो चुका है CDSL की तरफ से, आपका डीमैट अकाउंट बंद हो चुका है, तो आप ट्रेडिंग अकाउंट भले ही खोलते रहो, कोई दिक्कत नहीं, पर वहाँ कोई ट्रांजेक्शन नहीं होगा। दूसरा जो सवाल है दोस्तों वो है कि आपको NSE BSE की तरफ से कुछ मेल्स आएंगे, ओके, ईमेल आते रहेंगे आपके अकाउंट में, ईमेल्स आपको NSE की तरफ से आएगा, BSE की तरफ से आएगा, अपस्टॉक्स की तरफ से आएगा, तो आपको इस पर ध्यान नहीं देना है, ओके। आपको ध्यान बिल्कुल देना, आपका अकाउंट क्लोज हो चुका है, घबराने की बिल्कुल बात नहीं है, और आने वाले साल 6 महीने तक आपको इस तरह के मेल आएंगे, उसके बाद बंद हो जाएंगे, ओके। तो ये हो गया दोस्तों पुराने अपस्टॉक्स के, मतलब नए अपस्टॉक्स के अकाउंट के थ्रू कैसे बंद करना है। अब हम देखते हैं कि पुराने वाले के साथ कैसे बंद करना है, ओके। सो यहाँ पे मेरा अकाउंट लॉगिन हो रहा है, ये पुराना टर्मिनल है, जैसे कि आप जानते हैं अगर आप इस्तेमाल करते हैं स्टॉक्स, आपको पता होगा कि ये पुराना टर्मिनल है, तो अब इससे कैसे बंद करना है, सेम यहाँ पे मेरे को अपने माई अकाउंट में जाना है, क्लिक करना है, जैसे उसमें क्लिक करेंगे नीचे आपको आना है, यहाँ माई अकाउंट लिखा हुआ है, माई अकाउंट में क्लिक कर देंगे तो आपका इस तरह का वापस से सेम उस तरह का विंडो खुल जाएगा, जहाँ की प्रोफाइल होगी सेम, एग्जैक्टली सेम है, हर जगह सब कुछ सेम है। वापस से आपको यहाँ पे पर्सनल के नीचे अकाउंट, अकाउंट के नीचे आपको अकाउंट क्लोजर में आना है, अकाउंट क्लोजर में आप क्लिक करेंगे, फिर से आपका अकाउंट क्लोजर का सेम वही विंडो खुलेगी, सेम क्लोज अकाउंट में आपको क्लिक करना है, आपको सेम वो उसी लिंक तक ले जाएगा, ये देखिए वहीं आ गए, फिर से आपको वही रीजन सेलेक्ट करना है, नो टाइम टू फोकस ऑन ट्रेडिंग, क्लोज अकाउंट, जैसे आप क्लिक करेंगे आपका अकाउंट बंद हो जाएगा, मेल आएगा 7-8 दिनों में, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ओके। ये तरीका हो गया आपके जो अपस्टॉक्स अकाउंट है उससे कैसे बंद करना है। अब आपको अगर अकाउंट से नहीं, डायरेक्ट आपको अपने ईमेल से करना है, तो उसका भी तरीका मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको पहले तो अपना जीमेल खोल लेना है, जीमेल में आपको यहाँ पे टू, यानी कि आपको एक मैसेज भेजना है, एक मैसेज सॉरी आपको एक जीमेल भेजना है, मेल भेजना है, किसको भेजोगे, आपको भेजना है support@upstocks.com, आपको इस ईमेल पे आपको मेल करना है, क्या मेल करेंगे, सब्जेक्ट आई वॉन्ट टू क्लोज माई अकाउंट, ओके, मैं अपना अकाउंट बंद करना चाहता हूँ। अब बाकी नीचे आपको कुछ भी कंपोज करना है, आप लिख दो कि आई वॉन्ट टू क्लोज माई अकाउंट बिकॉज आई डोंट हैव टाइम टू फोकस, और आई डोंट हैव फंड्स टू इन्वेस्ट या ट्रेड, या फिर आप कुछ भी लिखिए, साथ में अपना जो भी आईडी वगैरह है थोड़ा बहुत लिख सकते हैं, हालांकि आप जो रजिस्टर्ड ईमेल है आपका, आपको उससे आपको ये चीज़ करना है। जैसे आप इसमें भरने के बाद आप सेंड में क्लिक कर देंगे, आपको एक मेल आएगा जिसमें टिकट आईडी होगी, टिकट आईडी, ओके, वो आपको उसके बाद कुछ नहीं करना है, जो भी होगा वो आपको एक मेल एक्स्ट्रा आएगा, आपको एक एक्स्ट्रा मेल आएगा, उसमें आपको बताएगा, मेल में लिखा होगा कि आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में, ओके, जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक SMS गया होगा, उसमें एक लिंक होगी, सेम वही लिंक जो हम यहाँ बंद करते हैं उससे पहले आती है, वो लिंक में आप क्लिक करेंगे तो सेम एग्जैक्टली सेम आपका यही फॉर्म, ये जो फॉर्म है सेम यही फॉर्म खुल जाएगा जब आप उस लिंक में क्लिक करेंगे, या तो उस लिंक को आपको फ़ोन में क्लिक कर लीजिए तो भी खुल जाएगा, या तो आप उसको कॉपी करके विंडो डेस्कटॉप में कर लीजिए तो भी आपका सेम यही फॉर्म खुलेगा, ओके। देन ये करने के बाद क्लोज अकाउंट में क्लिक कर देंगे, सेम वही प्रोसीजर होगी, आपका अकाउंट बंद हो जाएगा, ओके। तो ये होने के बाद आपको फिर वही है 7-8 दिन के अंदर अंदर आपको CDSL का एक मेल आएगा, आपका अकाउंट बंद हो चुका होगा, गुड। अब तो ये हो गया आपका डेस्कटॉप से, कंप्यूटर से आप कैसे कर सकते हैं। अब एक बार हम लोग फ़ोन से भी देख लेते हैं कि फ़ोन, अगर आप फ़ोन में आप अपना डीमैट अकाउंट खोलते हैं आप स्टॉक्स का, तो आप उसमें कैसे अपना अकाउंट बंद कर सकते हैं। चलिए मैं आपको इसके लिए चलता हूँ फ़ोन की स्क्रीन पे। तो मोबाइल में अपना जो अपस्टॉक्स का अकाउंट है बंद करने के लिए आपको सबसे पहले लॉगिन करना पड़ेगा, उसके बाद आपको लेफ्ट साइड यहाँ पे आपका प्रोफाइल बना हुआ है, लेफ्ट साइड ऊपर तरफ उसमें क्लिक करना है। जैसे आप उसमें क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपका नाम होगा, नाम के नीचे लेफ्ट साइड आपका नंबर होगा, आईडी होगा, तो उसका राइट में लिखा होगा माई अकाउंट, तो आपको माई अकाउंट में क्लिक करना है। जैसे आप माई अकाउंट में क्लिक करेंगे आपका कुछ इस तरह का विंडो खुल जाएगा, आपको कुछ नहीं करना, आपको जस्ट नीचे आना है, एकदम नीचे आना है, एकदम नीचे, एकदम एकदम बिल्कुल बिल्कुल एकदम नीचे, सबसे नीचे, ओके, आ गए। उसका यहाँ पे लिखा होगा अकाउंट क्लोजर, If you close the account, you will not be able to trade with upstocks. Okay, good. हाँ ठीक है, चलो यहाँ पे close account में हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। जैसे close account में क्लिक करेंगे आपका एक लिंक जनरेट हो जाएगी, और सबसे पहले तो आपको यहाँ पे वेरीफाई करने के लिए आपको नंबर पूछेगा,
अगर फ़ोन में आप पहली बार करते हैं तो इस तरह से आपका अकाउंट जो है आगे सेम, जैसे ही आप इस नंबर वेरीफाई करेंगे आपका सेम एग्जैक्टली उसी तरीके से लिंक खुल जाएगी जैसे मैंने पिछले में आपको दिखाया है कि कंप्यूटर में कैसे होता है, वो सिम फॉर्म आ जाएगा, वो फॉर्म फिल कर देंगे, आपका अकाउंट क्लोज हो जाएगा। तो देखा आपने कितना आसान है अपस्टॉक्स का अकाउंट बंद करना, और अपस्टॉक्स के अलावा भी अगर आप ज़ीरोधा या फिर कोटा के और कोई भी अकाउंट बंद करवाना चाहते हैं तो उसकी ऑलरेडी मैंने वीडियोज अपने जो है चैनल पर डाल दी है, आप जाके देख सकते हैं। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो, आपका काम बन गया तो लाइक जरूर कीजिएगा, और हाँ कोई भी आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स आप ही के लिए खुला है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं बहुत यूजफुल वीडियोस लाता रहता हूँ। मैं डे ट्रेडर हूँ, इन्वेस्टर हूँ, तो इससे रिलेटेड आपको वीडियोस मिलती रहती है। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।